लोकप्रिय मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र जी, 15 साल मेरठ को आपका प्यार मिला है, अब की बार क्यों नहीं मिल पाया? नहीं, बहुत इतना ही मैं लबालब भरा हुआ हूँ प्यार से, और मैं समझता हूँ कि उस प्यार को संजो करके मैं भविष्य में भी प्रयास करूँगा कि मैं अपने क्षेत्र की जनता का, आसपास के क्षेत्र का कुछ सेवा का काम कर सकूँ। और देखिए, ये हमेशा निर्णय केंद्र का होता है, हमारी जो दृष्टि है वो सीमित होती है। हम मेरठ की सोचते हैं, थोड़ा बहुत आसपास के क्षेत्र की सोचते हैं, लेकिन जो प्रदेश का नेतृत्व है, केंद्र का नेतृत्व है, वो थोड़ा बड़े स्तर पर सोचता है। अनेक प्रकार की बातें उनके ध्यान में होती हैं और उसमें से उन्होंने निर्णय किया ये। लेकिन राजेंद्र जी, जनता अभी तक सोच रही थी कि शायद राजेंद्र अग्रवाल जी चौथी बार आ जाएंगे, लेकिन आज जनता बड़ी भावुक दिखाई दी है और आप भी कुछ कुछ लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखिए, मूलतः कार्यकर्ता हूँ और वही मेरी भूमिका है। मैं जब 2009 में मुझको प्रत्याशी बनाया गया, मुझे तो कोई जानता भी नहीं था। अब जनता ने प्यार दिया, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, मैं संसद में पहुँचा, 3 बार पहुँचा। मैं इसके लिए बहुत आभारी भी हूँ, अपने नेतृत्व का भी, कार्यकर्ताओं का भी, जनता का भी। और मैं समझता हूँ उन्होंने मुझे पर्याप्त अवसर भी दिया, अब किसी बदले हुए रूप में, कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूँगा। तो उम्मीद की जाए कि आपको हो सकता है सांसद से बड़े पद से नवाजा जाए? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं कार्यकर्ता, जो भी काम मिलेगा, मैं कार्यकर्ता के नाते भी, कार्य करने का मेरा दायित्व, मैं करता रहूँगा। तो ये हमारे साथ थे राजेंद्र अग्रवाल जी, जो 3 बार के सांसद रहे हैं, 15 साल मेरठ का प्यार उन्हें मिला है, लेकिन आज वो भी भावुक हुए और भावुक होते हुए नज़र आए, जनता भी भावुक दिखी। तो अब ये निर्णय पार्टी के आला कमान का था, जिसको उन्होंने बखूबी एक्सेप्ट किया है, लेकिन अभी भी उनके मन में इस चीज़ को देखना उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। अपने सहयोगी के साथ राशिद खान, भारत 24 न्यूज़, मेरठ।